Good morning, everybody. Today I'm going to teach you this structures number 14. Structures number 14. जैसा कि मैंने आपको structures number 12 में शूट कर रहा था, even मैं 13 में शूट कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे-छोटे structures में छोटे-छोटे design आपको मैं बताऊंगा मैं और एटलीस्ट वो छोटे-छोटे हैं, but बहुत impressive, बहुत effective हैं और उसी effective के में मैं आपको ये स्ट्रक्चर नंबर 14 की डिजाइन कर रहा हूं। मैं काफी अच्छी ढंग से आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 14 की मैं बात करूं मैं, तो इसके थोड़ा फॉर्मेट को जान लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स नंबर 14, स्ट्रक्चर नंबर 14 ये बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर्स है। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं कि हिंदी का सहारा ले रहा हूं, मैं जितने भी हमारे ग्रामर को पढ़ाने के लिए ग्रामर को अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहे वो बेसिक ग्रामर हो चाहे एडवांस ग्रामर है, दोनों ग्रामर को पढ़ाने के लिए मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूं मैं। और स्पीक आउट करने का हमारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब ये है कि टोटली उसमें हिंदी स्पीक आउट नहीं होती है, टोटली स्पीक आउट का सिस्टम जारी रहता है। काफी प्रकार के डिबेट वगैरह है, काफी प्रकार के प्रेजेंटेशन मॉक डिस्कशन है। मतलब इंग्लिश जब दुनिया होती है तो दुनिया इंग्लिश की दुनिया में, हिंदी है तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ रहा है और एटलीस्ट बिल्कुल चले से, क्योंकि आपके मन में हर एक बातें हिंदी के माध्यम से मैं ट्रांसलेट करना ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैं जब आपके दिमाग में बिल्कुल चले से रहेगा तो आप स्पीक आउट करना सरल हो जाता है जी। इंग्लिश स्पीक आउट करने का मतलब होता है कि डिबेट होना चाहिए, जीडी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तमाम दुनिया प्रकार की हमारे जो प्ले होता है 6-7 टाइप का ये प्रोग्राम होते हैं जिससे कि हमारे स्पीक और काफी चले, ट्विस्ट चलता है, टाइम शेड्यूलिंग चलता है, ये कई प्रकार के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। बट यहां पर मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं तो ग्रामर पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप ग्रामर को पूरे कंसेप्ट को समझे, एक एक फीलिंग को समझे, एक एक चीजों को समझेंगे तो फिर उसके बाद ये मदद रहेंगे। जब वो वीडियो में शूट करूंगा आपको दूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने बहुत से प्रकार के इंफॉर्मेशन में इंग्लिश में साइट बताऊंगा मैं और आप बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो तो स्ट्रक्चर में 14 की जो डिजाइन है वो है नाउन ऑप्टर प्लस नाउन प्लस वाज प्लस V3। इस फॉर्मेट पर ये इसका फॉर्मेट है, क्या है फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे बनाया गया है। नाउन आफ्टर नाउन वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत कम ही देखने को मिलता है। जब वाज आवे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आवे बहुत कम देखने को मिलता है। पहली बार आप देखेंगे कि किसी स्ट्रक्चर्स में वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। पैसिव वाइज बनाते समय भी किया जाता है, हो सकता है पैसिव वाइज ही हो। तो आइए देखते हैं इससे सारी चीजें। जैसे आप कहते हैं गांव के गांव जल गए, क्या बोलते हैं आप, गांव के गांव जल गए, शहर के शहर तबाह हो गए, गोलियों पर गोलियां चलने लगी, किस पे चलने लगी, गोलियों पे गोलियां चलती रही, लाशों पे लाशें गिरती रही, घर के घर तबाह हो गए, घर के घर तबाह हो गए, पूड़ियों पर पूड़ियां ठूसता गया। ये तो मान लीजिए डेट की मैं बात कर रहा हूं मैं, एक खाना में एक किसी को आप जब जिसको पसंद नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो आपके खाना को खा रहा है, आप बिल्कुल चीज से जो गर्ल्स होती है महिलाएं होती हैं बिल्कुल कमेंट बाजी करने में चूकती नहीं है, ठूसता गया, पूरियों को पूरियां ठूसता गया, मच्छर पर मच्छर काटते गए, परेशानियों पर परेशानियां सहता गया, विपत्तियों पर विपत्तियां आती गई, पैसों पर पैसा उड़ाता गया, नोटों पर नोटों उड़ाता गया, पैक पर पैक मारता गया, किस पे पैक पर पैक मारता गया, पैक पर पैक जमाता गया, मस्ती पर मस्ती करता गया, चप्पलों पे चप्पल बरसते गए, किस पे चप्पलों पे चप्पल बरसते गए, और प्रश्नों पे प्रश्न पूछते गए। ये काफी ज्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो ऐसी चीज की डिजाइन होनी चाहिए होता है वो कैसे बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन इस फॉर्मेट में बनाया जाता है।
आइए देखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है एग्जाम्पल को लिखने में, हमें वाकई में टाइम लगता है। थोड़ा नीचे हमारे जो इन्फॉर्मेशन नोट्स मैंने डायरी में बनाया हूं मैं, उसमें से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे देखना पड़ता है, तो प्लीज डोंट माइंड व्हाट माय वर्ड्स कि मैं जो है क्या है। गांव के गांव जल गए, घर के घर बिखर गए, घर के घर बिखर गए, गोलियों पे गोलियां चलती रही, लाशों पे लाशें गिरती गई, घर के घर तबाह हो गए, घर के घर तबाह हो गए, प्रश्नों पे प्रश्न पूछता गया। प्यार से नहीं बोलते हैं, एग्जामिनर को भी आप गाली दे देते हैं, अरे मन के राजा होते हैं इसलिए ना। परेशानियों पे परेशानी आती गई, परेशानियों पे परेशानी आती गई, पैसों पे पैसा पैसा कमाता गया, पैक पर मारता गया। अगर ये वीडियो वो कैंडिडेट देखते होंगे जो पैक मारते हैं, समझ लीजिए भगवान को मैं बात कर रहा हूं मैं उनके लिए पैक ही भगवान है। क्या भगवान है? पैक। ओ माय गॉड, वो पैक को ज्यादा तजुर्बो देते हैं, और कितनी ज्यादा मात्रा में हम प्लेस टू प्लेस को मैं देख रहा हूं, मैं जगह जगह पर देख रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं है, लाज नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल अपने आप को दृढ़ता पूर्वक बैठ के बहुत इंजॉय करने की, कहते हैं कि मैं बहुत दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं, मैं बहुत इंजॉयफुल कर रहा हूं मैं। कितना दिखावा, कितनी चीजें, कितनी शान शौकत, अपना पूरा स्टाइल है, करने दीजिए स्टाइल, जो जैसा स्टाइल में रहता है करने दीजिए, वक्त होगी तो वही होगा ना, मारने दीजिए पैक पर पैक। हम कह रहे हैं कि आप नहीं मारते हैं, हम नहीं मारते हैं, आप नहीं मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। जो स्टूडेंट जो लेबरिस्ट कैंडिडेट एजुकेशन का दीवाना होता है, वो इस सभी चीजों पर ध्यान नहीं देता है, और करता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। मारने दीजिए, कितना दिन तक मारेंगे, हम एंजॉय कर रहे होते हैं टैलेंट का। जब आपकी दुनिया बनेगी तो पता नहीं कितने अमृत बिखर जाएंगे। हम सब वो सब जब तक चार गालियां नहीं देते हैं तब तक उनको मजा नहीं आता है, हम लोग छोटी छोटी बातों पर इतनी ज्यादा इंजॉय होता है कि करने वाली बात नहीं है। दुनिया अलग होती है, मैं क्या देखता हूं मैं, पढ़े लिखो की दुनिया इतनी गजब की होती, इतनी शानदार होती है कि हर एक चीज, आप जब भी बात करेंगे आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपके शरीर, आपके बॉडी का हर एक पार्ट्स, आप कभी टिकड़ों के पास बैठिए या ऐसे लोगों के पास बैठिए जो आप है ही नहीं है, तो आप बिल्कुल कन्नी काटेंगे। आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जो बैठते हैं बात करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास बैठने का मजा ही कुछ और होता है। क्या है सब चीज है, ऐसी अमृत चीज केवल एजुकेशन में ही मिलता है, दुनिया की किसी भी चीज में नहीं मिलता है।
एजुकेशन में आप अपने घर पर ही बैठ के काफी इंजॉय कर रहे होते हो, पूरी लाइफ को आप है ऐसे बुक्स में चीजें दी रहती है, इतना मजा की करने वाली बात नहीं है। जब आप स्टडी करते हैं तो आपको नहीं मुझे मजा आता है, मैं शूट कर रहा हूं तो मुझे भी मजा आ रहा है कि मैं मेरे इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, मैं अपने टैलेंट का एंजॉय कर रहा हूं। मैं गर्मी है ठंडी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या है, कितनी परेशानी आ रही है इससे कोई लेने देने नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो में शूट कर रहा हूं मैं तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें हर चीजें आपसे शेयर हो रहा है। मान लीजिए पैक 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 उसको मार देगा रे जी, आप दुनिया में एंजॉय करें। चीन समय पे समय कब तक आया, समय पे समय कटता गया, मस्तिष्क सिक्स पे सिक्स मारते गया, सिक्स पे सिक्स मारता गया। जैसे कि आप मैं बात कर रहा हूं कि अभी जस्ट एक इंफॉर्मेशन है सुना, वो वीडियो तो नहीं देखा लेकिन इंफॉर्मेशन सुना, मेरे घर का ही सदस्य मुझे एक बच्चा बता रहा था कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर कोई है जो छक्का मार रहा था, और कैसे ऐसे छक्का मार रहा था, तो मोदी जी बोले कि मैं दिवाली पर पटाखा छुड़ाने के लिए ले आऊं क्या? और सूर्य कुमार यादव ये यू प्राइ मतलब गगनचुंबी शॉट पर शॉट, हिंदुस्तान में एक से एक हैं, आप भी तो एक में से हैं, तो सिक्स पर सिक्स मारता गया, लो छक्का, कितने छक्का, जितना चाहिए उतना लीजिए, क्या नया आईपीएल आई हुआ, व्हाट एन एंजॉयफुल मोमेंट ऑफ द आईपीएल, छक्का पे ही छक्का, लोगों की आंखें हर एक सिक्स पर, हर एक बॉल पर सिक्स देखने को मिलते हैं, तो लेट मी आल्सो सिक्स पर सिक्स मारता गया और मस्ती पर मस्ती करता गया, मस्ती करता गया। बात यह होती है कि हम सारे इंफॉर्मेशन को, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा रिपोर्ट बताए कि हम पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को बच्चों को दे दें। क्यों छोड़े भाई, हमने लिखा हमें ये क्यों मैं, अब देखिए पूरियों पे पूरियों ठोसता गया, पूरियों पे पूरियां फूसता गया, बच के अरे पूड़िया खा रहे हैं, पूरा पूड़ी मत निकल जाना, बाइट लेना छोटे छोटे बाइट, छोटे छोटे मोमेंट, नहीं तो ऐसी कमेंट बाजी आती रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हप 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 ये खाने का कोशिश मत करिएगा, सब एक एक मोमेंट का वॉच आउट होता है। एक साहब जादे ने ऐसा किया, एक बड़ी बड़ी पूड़ियां थी, मैंने उनके यहां पर भी गया था और शेयर में कर रहा था मैं, क्योंकि मैं क्या कमेंट बाजी करूं मैं, लेकिन मैं देख रहा था मैं एक पूड़ी को दो बाइट में खा रहे थे, मतलब आधा पूड़ी एक बार आधा पूड़ी, और मैंने उस पूड़ी को मैंने कम से कम कई बाइट में छोटे छोटे टुकड़े लेकर लेकर खा रहा था। अरे खाओ खा ही तो रहे हैं, मैं दो पूड़ियां खाया आठ पूड़ियां निकल गए, दो पूड़ियां मैं खाया आठ पूड़ियां चट 28 पूरी मैं काउंटिंग इन सब का थोड़ा बहुत काउंटिंग करता रहता हूं मैं, कि जैसे आप मोजा, लोगों को लगता है कि मोजा जो नहीं है, मोजा की मैं बात कर रहा हूं मैं, मोजा पैर के अंदर है जो मोजा में छिद्र हो जाता है चलते चलते किसी तरह के घिसते, तो सोचते हैं कि हाँ मोजा में कौन देखता है, जूते के अंदर रहेगा कोई देखेगा नहीं, काम चल जाएगा, मैं अपना काम करके स्मार्टली तरीके से काम करके निकल जाऊंगा मैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं, जिसके यहां पर मेहमान करने के गए हैं, आप क्या जूता पहन के ही जाएंगे क्या अंदर, जूता तो निकालना पड़ेगा ना, जब जूता निकालेंगे तो बैठेंगे कैसे, आप ऐसे थोड़े ना बैठेंगे पैर नीचे रख के, आप जाहिर से बात है पलथी मारेंगे तो आपका मोजा का वो सब पार्ट्स दिखेगा कि नहीं, सब दिख जाता है, मोजे पर ध्यान दे। अगर आप मोजा, आपको लगता है कि हमारा मोजा दुआ के थोड़ा सा ये है नहीं है पैसे, तो मोजा को उल्टा करिए और उसको सुई धागा से सिल लीजिए, पता
नहीं चलेगा उसी पार्ट्स को, काम भी चल जाएगा बट ध्यान रखिए की बात छोटी छोटी चीजों को भी बहुत एनालिसिस किया जाता है। और आप समाज सोसाइटी में आप हप्प खाएंगे, इतना बड़ा बड़ा बाइट खाएंगे, माय गॉड बर्दाश्त नहीं होती है। कमेंटबाजी आनी चाहिए, कमेंटबाजी होनी चाहिए, मैं भी करता, आप मेरे सामने करते तो मैं कमेंटबाजी करता मैं, जी हाँ बिल्कुल, मैं अगर करूंगा तो कमेंटबाजी आप करिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं अगर मैं भी करता हूं मैं तो कमेंटबाजी करिए। सारी चीजें बिल्कुल चले साफ है, क्यों कमियां रहे, हिंदुस्तान का बेटा हूं मैं, कमियां क्यों रहे भाई, हिंदुस्तान के बेटे में किसी भी प्रकार का कमियां नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का नया हीरा, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं मैं, आप भी तो नया है, ओ माय गॉड सॉरी, गांव के गांव चल गए, विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्नड, विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्नड, घर के घर बिखर गए, घर मतलब फैमिली, फैमिली आफ्टर फैमिली वाज डिस्ट्रॉय, गोलियों पे गोलियां चलती गई, बुलेट ऑप्टर्स बुलेट वाज, गोलियां क्या होती है, चलता है तो मतलब फायर होती है, फायर फायर फायर, लाशों पे लाशें गिरती गई, डेड बॉडी ऑप्टर्स डेड बॉडी वाज फॉलन डाउन। भैया थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि नहीं, नाउन आफ्टर नाउन वाज वक्त का थर्ड फॉर्म, घर के घर तबाह हो गए हैं, घर का मतलब फैमिली, फैमिली आफ्टर्स फैमिली वाज डिस्ट्रॉयड, प्रश्नों पे प्रश्न पूछते गए, क्वेश्चंस ऑप्टर्स क्वेश्चंस वाज बीटेन, परेशानियों पर परेशानी आती गई, प्रॉब्लम ऑप्टर्स प्रॉब्लम्स वाज फेस्ड, परेशानियों को फेस किया गया है तो फेस्ड किया गया, पैसों पे पैसा कमाता गया, मनी आफ्टर मनी वाज ऑन, पैक पर पैक मारता गया, पैक आफ्टर्स पैक वाज स्वेलोड, जो भी है स्वेलोड की स्पेलिंग अपने आप से थोड़ा सा देख लीजिएगा, उतनी भी मेरी स्पेलिंग सही नहीं है थोड़ा बहुत, पैसों पे समय पे समय कटता गया, टाइम आफ्टर्स टाइम वाज पास्ट बिताता गया, करता गया, सिक्स पे सिक्स मारता गया, सिक्स ऑप्टर सिक्स वाज हिट कहते हैं, हिट हिटेड, हिट मतलब हिट मारना, बीट मतलब थप मारना, हिट मारता है हिटेड, मस्ती पे मस्ती करता गया, एंजॉय आफ्टर्स एंजॉय वाज एंजॉयड, एंजॉय आफ्टर एंजॉय वाज एंजॉयड, मस्ती पे मस्ती
करता गया, एंजॉय करता गया, पौड़ियों को पौड़ियों खुजता गया पाई ऑप्टर्स पाई वाज स्वेलोड, पूरियों को पूरिया चुस्ता गया, यानी नाउन आफ्टर नाउन वाज वक्का थर्ड फॉर्म। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सिंपल सिंपल है, देखने में बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इन सभी चीजों को लेने के बाद आप देख रहे होते हैं कि आप ये छोटे छोटे भले ही दिखने में है, लेकिन कितना अट्रैक्टिव, कितना नया व्यवहार होता है, ये आपके नॉलेज को भी होना चाहिए। लेट यू एंजॉय ऑफ दीज ऑल थिंग्स, आप इन सभी चीज को एंजॉय कर रहे हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वीडियो को आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होता है। शॉर्टकट कभी ये देखे, कभी वो देखे, कभी ये देखे, सनी आप जब आप लेते हैं तो हर एक चीज को देखते हैं नॉलेज इंक्रीमेंट होगा। जब नॉलेज इंक्रीमेंट होगा तो आपका हर चीज इंक्रीमेंट होगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू टू सो मच।